सब टीवी के कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाकर फेमस हुई मुनमुन दत्ता आज घर घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। तारक मेहता सीरियल में जेठालाल और बबीता जी की केमिस्ट्री को खूब दिखाया जाता है, वहीं दर्शक भी बबीता जी के किरदार को खूब पसंद करते हैं। मुनमुन दत्ता का जन्म 28 सितंबर 1987 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ था। सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि मुनमुन दत्ता रियल लाइफ में भी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि बबीता जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुनमुन दत्ता मुंबई आ गई थी। साल 2004 में उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत जी टीवी के सीरियल हम सब बराती से की थी। पहली सैलरी 125 रुपये थी। एक्ट्रेस ने एक बार खुद इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। आज अभिनेत्री एक एपिसोड के लिए 35 से 50 हज़ार की मोटी फीस लेती हैं। इसके बाद मुनमुन साल 2006 में कमल हासन की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में नजर आई थी। मुनमुन डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। साल 2008 में उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर का किरदार मिला। पिछले 12 साल से मुनमुन इस किरदार को बखूबी निभा रही हैं। आज उनकी पहचान किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। बताया जाता है कि साल 2008 में ही मुनमुन दत्ता का अफेयर अरमान कोहली के साथ शुरू हुआ और कुछ ही दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। उनके ब्रेकअप का कारण अरमान का गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव बताया गया। वैलेंटाइंस डे के दिन अरमान ने मुनमुन के साथ मारपीट की थी। मुनमुन ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था। इसके बाद अरमान को अपने गलत बर्ताव के लिए फाइन भी भरना पड़ा था। इस केस में टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने गवाही दी थी। डॉली के अनुसार अरमान हमेशा मुनमुन के साथ गलत व्यवहार करते थे। सोशल मीडिया पर मुनमुन की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। इंस्टा पर उनके 1 मिलियन फैंस हैं। वह भी अपने फैंस के लिए इंस्टा पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। विवादित भाषा से हुई थी परेशान अपने हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए मशहूर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के हर कैरेक्टर से दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं। दया बेन यानी दिशा वकानी की अभी तक शो में वापसी ना होने की खबरें उदास दर्शकों के लिए एक और झटका है। खबर है कि बबीता जी का किरदार निभाने वाले मुनमुन दत्ता ने भी शो छोड़ दिया है। बबीता जी और जेठालाल यानी दिलीप जोशी की मजेदार बातचीत दर्शकों को खासा पसंद आती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के पिछले कुछ एपिसोड में मुनमुन दत्ता नजर नहीं आए तो कयास लगाए जाने लगे कि बबीता जी ने शो को अलविदा कह दिया। दरअसल इसके पीछे एक वजह उनका विवादों में रहना भी माना जा रहा है। हाल ही में अपने एक वीडियो की वजह से मुनमुन दत्ता विवादों में आ गई, हालांकि बाद में इसके लिए माफी मांग ली, लेकिन कई एपिसोड्स में गायब रही। मुनमुन दत्ता को लेकर इस तरह की अफवाह सामने आने पर शो मेकर्स ने इसका खुलासा करते हुए इन अफवाहों को सिरे से खारिज किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोडक्शन हाउस और नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक आसिफ कुमार ने इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि मुनमुन दत्ता बबीता जी के रोल में शूटिंग जारी रखेंगी। शो छोड़ने की अफवाहें बेसलेस हैं और गलत हैं। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के वीडियो में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के बाद देश भर में कई जगह उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। हालांकि इस मामले में मुनमुन दत्ता ने माफी मांग ली थी। एक्ट्रेस ने माफी मांगते हुए कहा था कि अलग भाषाई क्षेत्र से होने की वजह से बोले गए शब्द के अर्थ को नहीं जानती थी। वह सभी जाति और समुदाय का सम्मान करती है और उनका किसी के बारे में ऐसा गलत बोलने का बिल्कुल इरादा नहीं था।